लड़कियों की तरफ से तो कितने खुशी मिलती है यार, लड़कियां हो चाहे लड़का हो चाहे बड़े हो या छोटे हो, थैंकफुली मेरी फिल्म ने इतना प्यार कमाया है कि मुझे हर सेक्टर से प्यार मिलता है, तो वो एक बहुत बड़ी कमाई है यार। क्योंकि एक 5 साल का बच्चा भी अगर आपको प्यार कर रहा है ना, और बोला जाता है बच्चों में भगवान है, तो वो भगवान को खुश करने जैसा है। तो आई एम रियली फीलिंग वेरी ऑब्लाइज्ड। भाई कभी एक्सपेक्ट किया था कि फिल्म इस मुकाम तक जाएगी, इतना सक्सेस मिलेगा और फिर बच्चों में भगवान निकलेंगे? नॉट रियली भाई, ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं, कभी रिजल्ट को देख के कभी काम किया ही नहीं, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी ऑनेस्टली, बिकॉज वो आप खुद ही लिमिट कर देते हो चीज़ों को। सो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज आर द बेस्ट। आई थिंक जब आपको सुनने या देखने के लिए या मिलने के लिए लोग टाइम निकाल कर आते हैं आज की जिंदगी में, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ अ सरप्राइज एंड दैट इज़ रियली ओवरवेलमिंग कि लोग अपना वक्त निकाल कर मिलने और बात करने आते हैं। उससे आई थिंक उससे बेसिक और उससे स्पेशल बात नहीं होगी। क्या एक टीम मिलकर, मैनेजमेंट टीम मिलकर आपके लिए कितना अच्छा एक मीटअप रखती है, आप एक इंटरव्यूज होते हैं, क्या जब आपको इतना प्यार मिलता है सारी ऑडियंस की तरफ से, टीम की ओर से? आई थिंक उन्हीं के लिए काम करते हैं हम, जो भी मेहनत हम 1.5 साल करते हैं, जो चोट लगती है, जो इंजर होते हैं, और जितना भी हम सैक्रिफाइस करते हैं अपनी फैमिली के पास ना जाके फेस्टिवल्स में और वो सब, तो वो आई थिंक सब यहाँ पे आके कल्मिनेट हो जाता है और लगता है कि हाँ इसी प्यार के लिए काम करते हो। और मैं क्योंकि अभी मुंजा हो गई है, तो मैं ऑनेस्टली अगर अपनी भाषा में बोलूँ तो मैं बहुत, मुझे अब मेरी भूख और बढ़ गई है आप लोगों को एंटरटेन और प्यार पाने के लिए। वाह, आई थिंक बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बट अगर एक चुनना तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर चुनूँ तो ये बात रहेगी कि अगेन वही कि यंगेस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पर थे और एल्डेस्ट भी जो कि इतने एक्सपीरियंसड हैं, दे आर ऑल्सो इफ दे कैन क्लैप एंड वाउच फॉर मी देन नथिंग लाइक इट। वो रोल एक्चुअली हम करते हैं और वो ड्रीम रोल लोग बना देते हैं उसको प्यार देकर, तो मैं उसी में विश्वास रखता हूँ और देखते हैं जो भी आगे कैरेक्टर्स जो अभी तक किए हैं उन लोगों को, उसको तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया और ऑडियंस ने भी इतना प्यार दिया है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और जो भी आगे रोल मिले आई होप वो मैं अपने लिए भी और आपके लिए भी ड्रीम रोल में कन्वर्ट कर सकूँ। मतलब आई एम श्योर आपको पता होगा कि माएँ बहुत ऐसा सबमिसिव होती हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती हैं, तो वो जो छोटी सी पीठ पे हाँ वो जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि चलो मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और उनको प्राउड फील करा रहा हूँ, तो वही अचीव करना चाहूँगा बस। ओ फैंस जो मेरे एडमायरर्स हैं और जो मुझे प्यार करते हैं, बस उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा और यही बोलना चाहूँगा कि आगे जितना भी कुछ काम करूँ आई होप आप सबको वो पसंद आए, जैसे अभी तक जो भी कैरेक्टर्स मैंने किए हैं वो पसंद आए हैं, तो जो भी मेरी एक्टिंग की किचन में जो पक रहा है आई थिंक वो स्वीट ही टेस्ट करेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।